चालू हो गया। अरे पाने की आवाज कम पड़ जाए तो बोले, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। देखिए ये बछनावा से भौरेश्वर का यह रास्ता है, और यहाँ से भौरेश्वर हमारे ख्याल से 10-12 किलोमीटर होगा। तो आते जाते उस विकलांग बालक पर मेरी ही निगाह क्यों गई? एक क्वेश्चन है बाबाओं से, नेताओं से, है ना, हमें जवाब दो। तब ये योगी जी की कृपा हमेशा रोड टनाटन बनता है। हमारी निगाह क्यों गई भाई? वोट लेने वाले ग्राम प्रधान भी गए होंगे, विधायक भी गए होंगे, सांसद गए होंगे, हैं कितने बाबा गए होंगे, उस विकलांग बालक पर मेरी क्यों निगाह पड़ी? तब से बाने जाने लगे तो जो कुछ हुआ मैंने उसकी मदद करवाई, सेवा करवाई। उनको सब लोग कमर उम्मर देते, मगर हमारे भैया कभी कोई कमर नहीं दिया। एक से कम से कम हर साल कमर बटत है, मगर हमारे भैया कमर को नहीं दिया। तो कमर, का? हाँ, कमर नहीं। सुन ले, विकलांग बालक, विकलांग बालक, उसको कंबल नहीं बांटा गया। अरे हिंदुस्तान के नेता लोगों है बंदूकें टांग लिया और दादा बन गए। इसीलिए मोदी जी ने, मोदी नाम की एक जड़ी बूटी अब चालू हो गई है, सबकी दादागुरी घुसेर देंगे। एक महिला की आवाज से सुनो कि जो उसका वो पात्र है उस लड़के को मैं दिखाऊंगा। राशन बटा था और राशन नहीं मिलती है। अरे राम राम, अरे राशन नहीं दे रहे हैं, बताओ, कुछ भी नहीं मिला था। अब आइए उस बालक को हम दिखाएंगे, आइए भोज। चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। ये लाइव वाला नहीं है लेकिन है? ये वही है, लाइव वाला तो खत्म हो गया है। नहीं नहीं, वीडियो बनाओ खाली, उसमें तो लाइव वाला एक आध मिनट के नहीं चल सकता। 2% है केवल उसमें, 2%। हाँ। देखो चला के देखो सही चल जाए। ए रोहित, तुम जरा कैमरा पकड़ लो यार, वो उसको चलने दो, इसमें दे जरा लाइव चालू कर लो। लाइव आता है ना? आता है, बताओ। देखिए कितने पॉइंट की बातें निकल रही हैं। जी, एक विकलांग बालक वहाँ पर, नेताओं को आना चाहिए, बाबाओं को आना चाहिए, और कोई नहीं आ रहा। जी, ये क्या हो रहा हमारे देश में? धार्मिक क्षेत्र में तो देखो, अरे ये तो एक मानव की सेवा है, इनसे तो वोट मिलेगा, उस बच्चे की माँ तो वोट देगी। आइए देखिए, देखिए जल्दी आइए जैन साहब, मारे खुशी के, ये खुशी का इजहार देखो, बोल नहीं पा रहा है। चौथे क्लास में पहुंचा था, तब इसको जो है, क्या नाम, बुखार हुआ, और डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों ने सुई लगा दिया, खत्म हो गया, या जहां भी गए, खत्म, कोई बात नहीं, अब रख लो, अब वो आप उसको संभाल दीजिए, क्या जी को बना ही रहे, आप अपने में बना लो, ये बड़ा पुण्य का काम है, आपके काम आएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, जो हमारे साथ एक जने आए रहे मिश्रा जी, जो उनका हिंदा है थोड़ा मालिश है। हाँ दादा, इसका मतलब मालिश करी तो है, मगर ये जैसे ना बैठ रहा, पगुड़ा तो नहीं ज्यादा करके, इसे थोड़ा पगुड़े तो थोड़ा आराम मिले, मगर इनके इतना ज्यादा आराम नहीं था बैठे के नहीं। हाँ। लेकिन देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाय लगाई थी, तेल लगाई थी। नहीं, तेल तो खैर लगाई हो। हाँ, ये का चल पहिया से अब गिर जाते। हाँ, गिर जाते। जो गाड़ी तुम दी हो। हाँ। वो इससे जो मतलब नहीं, नहीं गाड़ी तो खैर हाँ, तो पिलाओ तो मतलब गिर जाते है, चल पहिया में है, दुई पहिया में बैठाओ तो वही नहीं बैठ पाओ। गांव का नाम क्या है? सब्जी। गांव का नाम सब्जी, आगे का गांव का नाम हो सकता है मसाला हो, उसके आगे गांव का नाम तेल होगा। ठीक, चलो हमको सब्जी समझ लो, ये गांव सब्जी है। तहसील क्या है इसका? ये कौन है तहसील में लगा? बछनावा में लगा, तो ये रुक जाओ, महाराजगंज, तहसील महाराजगंज, गांव सब्जी,
और जिला रायबरेली है ना, और जिला रायबरेली चुनाव का समय है नेता लोगों, हम लाइव पर आज बोलेंगे। ये नहीं दिखाई पड़ रहा हमको तो चलो गधा और बंदर सुगर का मैंने ठेका दिया है, लेकिन नेता लोगों आपको वोट देना है, बड़े पार्टी वाले बनते हो, आंख पे सुगर का बाद है क्या आपके, दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रधान जी कम से कम ध्यान दें, प्रधान जी को आना चाहिए यहाँ पर, प्रधान जी बोलो कम्बल इसको नहीं दिया गया, राशन नहीं दिया गया, अरे लानत है के नेताओं को, प्रधान को ठेकार है, उनकी लाइफ को उनकी जिंदगी को ठेकार है, चलो भर पानी में डूब मरो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको लगता है कि हमको ठीक है समाज में कहीं अपनाना पड़ जाए, बहुत हो चुका मंदिर मंदिर। अरे जिनसे वोट मिलना है भाई उनके लिए तो काम करो, तो एक काम किया करो, पैसा लाख हवा लागी जितने घाम लगे थोड़ी देर घामो लग जाए, लेकिन कौन घाम 9 बजे तक, ये नहीं तो कहो बाबा कहिए अभी 11 बजे इनका तुम घाम में बैठा दो तो वो काम न हुए, है ना। एक लड़के को बुखार आया तो उन्होंने कहा कि इसको क्या ठंडे नहीं खुरपी का बुखार भी एक मिसाल है, तो कहीं गुरु जी कहा करी कहीं खुरपा का बुखार आ गवा है तो क्या डोरी में बांध के कुआं में लटका दे तो बुखार उतर जाए, यानी खुरपी वो ठंडा हो जाएगा। और उनके बेटे को बुखार आया, एक एक नमूना है, बेटे को आया तो पैर में रस्सी बांध के और कुएं में उसको लटका दिया, बेटा मर गया। तो कहीं गुरु जी तो मर गया, तो कहें हम खुरपा के कहा रहेगा, लोहा गर्म है तो पानी में डालो, तो कम से कम इन बातों को देखने के बाद अरे कुछ तो शर्म करो नेता लोगों, ये 86 साल का आदमी पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है, जो मैंने काम किया है आप साथ जमे नहीं करे किए होंगे, अगर आपने किया होगा वोट लिया होगा, समझ गए, हजारों लाखों बंदों को मैं भोजन देता हूँ तो क्या वोट हमको देंगे, यही इससे बड़ा कौन मंदिर है, कौन सी से बड़ी पूजा है, बताओ। उसकी माँ बोल रही है न इसको कंबल मिले न इसको राशन मिले, अरे लानत है नेताओं को, धिक्कार है इनके जिंदगी को, मर जाओगे इसी तरीके से, रहे तो हनुमान लेटे हनुमान, कितने करोड़ की संपत्ति रही, कितने आकूर संपत्ति कही गई, लगभग बोलो मुँह से बोलो मुँह खोलो बहुत बाबा जी कितना, अरे अरबों लाखों की तादाद, ये बोल पाए, ये बोल पाए ठाकुर साहब नहीं बोल पाए, अरबों इधर ध्यान दीजिए, अरबों रुपए की संपत्ति इलाहाबाद में हनुमान लेटे हनुमान के बाबा की हत्या हुई या फांसी लगाया जी, अकाल मृत्यु मर गए, है ना, मट्टी पलित हो गई साधु जी, सारी संपत्ति मट्टी पलित हो गई, पूरी हो गई ना जी, पूरी जिंदगी लूटीन काटीन मारीन पीटीन कोई तरह इतना हड़पीन, एक 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 झटके में चली गई, झटके में चली गई। तो हमारा मतलब है ये नहीं किसी को दिखाई, जब जब हम आए सिद्धार्थ जी ने 4,500 की कुर्सी दिया, जब आते जाते कुछ ना कुछ जिसको देते रहते, लेकिन ये बताइए हमारे नेताओं से इसका पेंशन बनवाओ, इसके लिए कोई उपचार की कोई व्यवस्था करा दो, है ऐसे विकलांग बच्चों के लिए इनकी सेवा से बल के कौन सा मंदिर है, भंडारा 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 वोट लेना जी, वोट लेना है इनसे, नहीं आपको वोट मिलेगा उसकी माँ नहीं वोट देगी, है अंधा समाज है। तो इसके लिए जो है आप इसको दो बोरे आपस में जोड़ो, सुबह के टाइम खाने में तो हाथ भिटवा है, यह का जो तुम जितने माजिश करी हो, तेल हुए तिल के तेल हुए, ये देखो ये देहात है, पहले मऊहा के तेल गांव गांव भरा रहा, अब सुनो तिल के तेल तो मिली कि वो न मिली, तिल्ली के असली तेल सामने पेराओ, हाँ तिल्ली खरीदो, अब तुमका हम लोग मदद कर रहे हैं तो तिल्ली खरीदो उनका पेरवाओ और वही तेल क्या लगाओ, देखो बेचारा बोल नहीं, बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, है? अब ये बड़ा खुश है कि इसका फोटो आप ले रहे हैं। तो हम वो तिल का पैसा जो है वो
हम दे रहे तिल्ली तिल्ली के तेल ऐसे जोड़न में जहाँ जहाँ मोड़ है यह मोड़ है वह मोड़ है कसके कब कसके रगड़ेगा खाने में समझो वही के सेवा से अब तो नहीं मांस खा रही है। हमने मांस खाना इनका छोड़वा दिया। अरे वाह बाबा नमन जी पूछ लीजिए सामने खड़ी है हमने कहा तुम लोगों ने मांस खाया बाढ़े पूछ पिता के धर्म पाप आपने किया जी और जी। सजा इसको मिल भोग रहा है नहीं बहुत बड़ा बाबा जी बहुत बड़ा आपने जो पहला काम हमने कहा मांस खाना छोड़ो तब ये बाबाओं को कथा में बताना चाहिए वो अरे क्या बताने मुंह से भाग निकल जाए ना हमारे ये बोर्ड लगा वो स्वामी जी और वो भागवत कथा जी इतने लाठी दे के मारे पटक पटक के मारे कि कथा कहने वाले को नहीं दिखाई पड़ रहा कथा सुनने वालों को यहाँ नहीं आना चाहिए श्याम साधु ने कोई ठेका दिया है गधा बीमार तो हम चार सुअर हमारे घर में गड़े हैं कोई छोरी रखी हम पंडित हैं हम पंडित जो ब्राह्मण हैं और चार छोरी हमारे घर में गड़े हैं सड़क के किनारे देखा बस रामा में गाड़ी चढ़ गई यूं यूं हो रहा है उठा लिया गोद में ले गए इलाज करावा मर गया दफना दिया यूं गिद्ध हो थे गिद्ध देखे हो बचपन में वो गिद्ध गिद्ध के भी इलाज करावा वो के अंतिम संस्कार किया तो जो बाबा कर रहा है कुछ करो वही करने वाला इसलिए आज ये वीडियो बन रही है और इसलिए इनका तेल का मालिक देखिए होने की बात अब इसके लिए गाड़ी रुकती है हम लोग पैसे देते हैं तो ये सारे बच्चे अंदर से सोचते होंगे कि का बताई भगवान हमू का यह इतना मतलब क्यों तो बाबा हमें बड़े कुछ कह रहा देखो बच्चों की मानसिकता है इसलिए जब यहाँ कुछ बांटो तो इन बच्चों को बराबर दे ठीक तो काम करो इनके हम तुमका 100 रुपया दे थे और वही छुटका क्यों हो गया नहीं 500 के नोट में बड़ी दिक्कत है 100-100 का भाई छुटका किसी के पास हमें अलग अलग दे थे 5 तो नहीं हमको एक एक का चाहिए 5 वाला तो हमने लगे है एक अरे बन गया काम ठीक अब ये जाएगा ये 100 रुपये तो पकड़ो चिर के तेल लाए असली और 100 रुपया ये पकड़ो 100 रुपये इंग्लैंड की परमजीत की ओर से मैं बच्चों को दे रहा हूँ ये बिस्कुट मंगा के सबका बराबर बराबर बांटे हो ये नहीं कि ज्यादा मिले कोई का कम मिले 100 रुपया बिस्कुट के पकड़ो 100 रुपया में दिल्ली तेल जो मेरे पगवा खान बढ़िया लाए और वही सब मालिश करो ठीक है वही सब मालिश करो और क्या नाम है इनके क्या क्या बांधक नहीं आप दिखाते नहीं हाँ मतलब देखिए आदमी बन जाओ भंडारा मंदिर इससे बड़ा कौन सा मंदिर है इनसे बड़ा कौन सा महात्मा है जी बाबा बहुत बड़ी बात भाई हमें जवाब दो ना ऐसा दुनिया देख रही है इस बाधक की सेवा से बढ़ के कौन से भवनेश्वर की मंदिर की सेवा है नाम बोलो अरे वो मंदिर है हाँ जो बस कदम बाकी सेवा यहाँ करो इंग्लैंड के जो परम जीत जी के वजह से हमने बहुत किया सारे बच्चों के लिए थोड़ा प्रधान जी से मिल करके इनके पेंशन वेंशन बनवाओ नहीं नहीं प्रधान मैंने कहो कि बाबा जी कह गए हैं प्रधान जी हाँ अब हमारा नंबर उनका बता दो ये तुम्हारा नंबर कहाँ ही आके भाई पिछली बार दिया गया हम नहीं नोट कर पाए नंबर बोलो नंबर नोट करो भाई इसको कैसे नोट करोगे वो हमारा वाला है आपका लेकिन वो बंद है हाँ उसमें इसमें करें अपने में करें हाँ इसमें करो हमारे में ले लेना चलो नंबर नोट करो उनको नंबर दे हमसे बात करवाएंगे क्या नाटक अरे वोट आप लोगों को इन लोगों ने वोट नंबर बताओ वोट देने पर आप इसके लिए नहीं करेंगे प्रधान का नंबर आप अपना नंबर नहीं नहीं अपना भी बताओ प्रधानों को बताओ यही मनुष्यता है क्यों रोहित जी 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 जो आप देख रहे हैं जी इससे बड़ा कोई कथा है नहीं है और यही सब कुछ साथ में जाएगा साधु जी अब बताइए इसको कमर नहीं दिया गया हम क्या अनशन में बैठे
प्रधान और नेता के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान चलेगा? मर जाओगे ठीक तरीके से और मौत के लिए 75-18 93-0 89-3 चलो भैया, क्या नाम लिखी इनके? प्रधान जी सब सब्जी गाँव इनके है ना? हाँ ठीक, उसमें देख लो इनका विकलांग, खाली विकलांग देख लो, वो आ जाए विकलांग और सब्जी। अगर क्या होगी जी, ये उंगली ऐट का है ना, ये ऐसा तुम तेल खूब लगाए रहो ऐसे, नहीं अब भले लगा हुए ये सूखा का है, अगर तेल बहुत लागत ऐसा कह रही काम। प्रधान जी का नंबर सुनो, ऐसा उंगली रोज रोज तेल लगाओ सीधा करो, प्रधान जी का नंबर दो, ऐसा बड़ी राहत आ जाए। लोटी फोटी ना तो और जाम पकड़ दे, मुश्किल ये है, एक लोटे देव चले देव खाली एक जुटीन बोरा काट के भाई 85-28 क्या है, पैसा नहीं देती? अरे सुनो, तुम लोग अपने हाथ से काट लिया, हाँ हाँ गर्मी में वोट दे, हाँ इससे चलो नहीं मशीन चलवा दो, बात नान नान बारो रही तो कोनो हरदा नहीं। क्या नाम डाली है? प्रधान जी सब्जी गाँव, पैसे ये मतलब ये भारत का नमूना है जैन साहब, यही हमारे भारत में हो रहा है, क्यों ना हम सिख धर्म को अपना में जाकर क्या फायदा इस धर्म में रह के? सही कहा, सिख धर्म बहुत ऊंचा धर्म। देखा एक गांव देहात का आदमी बोल रहे बूढ़े बुजुर्ग, सिख धर्म बहुत ऊंचा धर्म है। देखिए परमजीत जी एक बुजुर्ग बोल रहे हैं सिख धर्म बहुत ऊंचा धर्म है, बोले कि नहीं बोले? जी बाबा, के आगे बीड़ी तमाकू कोई नशा नहीं कर सकते तो मार दे तुरंत। हाँ, बात उनके मजहब से बदतमीजी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो बात सही है, आपस में भले लड़ मार लें। हाँ, मगर अगर तुम सोच लो गुरुद्वारे के अंदर चप्पल जूता सिगरेट पुड़िया थूक दो। हाँ, बात बर्दाश्त नहीं से की जात हो तो ऐसे मार दे। हाँ, मार दे। हाँ, बीड़ी तमाकू पिए तो हटेगी नहीं। हाँ, क्या हम बस आप बता 100% विकलांग का है शादी करवाने के लिए। हाँ, और की बात ऑनलाइन कराना। हाँ हाँ, वही मानी बताने का, हम 100% है। आप हमारा नंबर नोट कर लो, हमका बताओ रात का, हम लाइव पर बोली थे ना तो हिंदुस्तान नहीं ये सगलो बात पहुंचा दियो, भैया लाल कमीज पहने है ना, ये पूरी दुनिया में सब दिखावा जाए, सब सब कुछ सामने आवेगा, सरकार के बाप को करना पड़ेगा। नहीं नहीं प्रधान जी ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, हम बताओ नहीं नहीं कोई उनका फोन नंबर दिया प्रधान जी, मैं उनसे बात करूंगा कि प्रधान जी क्या हमको अनशन में बैठाएंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, हम सीधे अनशन में बैठा, आपकी बात से हल्का बच जाएगी। 40% विकलांग का है उनको आवास दिया गया मगर इसको नहीं, हमने मतलब कई बार कहा अरे प्रधान जी का विकलांग एक कम्बल मिल जाए तो बिका बहुत बड़ा पुण्य हो। हाँ, मगर कम्बल नहीं, दूसरे दूसरे ब्लॉक गाड़ी से लेके गए ब्लॉक में देवाई जाए, मगर इनका नहीं। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा कह कही रहे? रीजन ऐसा कह कही रहे जो कर रहे तो अरे बिड़िया ही ना। हाँ, ये देखो ये बिड़िया, ये देखो जातवाद यहाँ देखा जा रहा है, ये बिड़िया खाने वाले हैं, क्या मतलब है? अब हमारी इनके कोई रिश्तेदारी है क्या? वोट तो लेंगे घर देखे भैया, उनके मन कटा उनके क्या दारू पहुँचाया? हाँ, वोट वोट के समय नहीं। हाँ, वोट के समय बढ़िया ना है, जब जीत जाए तो बढ़िया बन गया। बस बस ये गलत बात है, चलो भाई अब तो बाबा आवाज पहुँचाएंगे। सुनो एक मालिश जरूर रोज करो, जितने सुनो ये उंगली है ना ऐसे ऐसे मालिश करो, ऐसे ऐसे एक बार मोड़ो, जितने एक हाथ गड़बड़ है तो उनका आवास मिल रहा है, अगर से पूरे शरीर से विकलांग है 100%। हमने ऑनलाइन कर 10-76 पे फोन करवाया, हमने कहा कि जो इतना परसेंट विकलांग का है लड़का, ये जो देसी नगुआ है उनसे मशीन चलवा दे,
पता नहीं भैया, मगर हम लोग परिवार जैसे लड़का बच्चा अपन बनवाई नहीं अपने कमाई से नहीं। हाँ, हाँ। हमारे कोई कुछ है पैसा मतलब कोई ना बिजली भर खेती है ना कुछ है, अपने लड़का बच्चा सब मेहनत से कब बनवाई। उसके बावजूद अब जैसे इतना पड़ा है, अभी मीका लेके रही लड़का बच्चा हमका खेत दिए, मीका लेके कहाँ मर जाए, कहाँ मर जाए बार बताओ, मीका कहाँ लेके जाये घर। तुम रायबली आओ, कुछ दिन रह के देखो, तुम्हारा तुमका हम काम दिलवा दे दे, कभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं हो, काम करो सब पैसा पैसा हो जाए और इन्हों के जिंदगी बन जाए। हुआ है शहर का मामला है, है ना, पैसा होगा जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले डॉक्टर है ना उनका बोलेंगे, फिर सरकार में मांग कर दे, क्यों साहब ये आवाज उठाइए कि ऐसे विकलांगों की इलाज के लिए नेचुरोपैथ के द्वारा प्रत्येक आयुर्वेदिक अस्पताल में वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, जो नेचुरोपैथ के डॉक्टर साहब बैठे है ना योगा करवाते हैं उनसे कहो योगा अपने पास रखो, करा रहे योगा और पेल रहे समोसा, योगा काम करेगा, नाटक हमारे समाज में होता है, ऐसे लोगों के लिए नेचुरोपैथ वालों को बैठाया। बाबा जी अभी फोन मिला है क्या प्रधान को, बात करेंगे अभी। हाँ, मिलाओ मिलाओ अभी मिलाते हैं। ये भैया ये प्रधान जी क्या ये हो रहा है, ये कैमरे में बन रहा है सब, भाई आप कोई भी हो, आप कोई भगवान थोड़े आपको बनाए हैं, आज हैं आप कल नहीं रहेंगे। मैं अंधा समाज देख ले, देखो फलाने नेता और धमाके नेता, वो सब नेता आए यहाँ पे, रामलाल अकेला भी आए, जो अभी नेता थे वो भी आए, मगर कोई सुनवाई हमारे। हाँ हाँ, योगी योगी जी महाराज, प्रभु ध्यान दीजिए, हर पार्टी के नेता सुन रहे हैं, कोई नहीं ध्यान दिया, अभी हमारी बात योगी जी तक पहुँचेगी, योगी जी को सबको जरूर करेंगे, उन्हें उन्हें भावनेश्वर को भावनेश्वर बना दिया, हर साल सड़क कटती थी, अब वो सड़क कभी नहीं कटेगी, वो योगी जी ने बनवाया, इधर रोड पर दिखाइए, बिल जा रही है, बिल जा रही है, उठा लिया। हेलो 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 प्रधान जी बोल लो, आवाज कट रही है, फिर से लगा। अच्छा बाबा जी बात। हाँ भाई प्रधान जी, मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ जी। महाराज जी आपके क्षेत्र में जो विकलांग एक बालक है यहाँ सब्जी गांव में, महाराज इसके लिए कंबल की व्यवस्था, विकलांगता जो प्रमाण पत्र बनता है उसके लिए व्यवस्था आप जरूर करा दें, क्योंकि देखिए इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, दिल्ली से लोग आए हैं हमारे ऊपर वो पिक्चरें बना रहे हैं, तो आज उसी के लिए हमने कहा, बड़ा सुन के ताजुब हुआ, कह रही भाई जिसका एक हाथ विकलांग है उनको सर्टिफिकेट विकलांगता का बन चुका है, इनके ऊपर आपकी कृपा अवश्य होनी चाहिए, यही आपसे एक निवेदन जी जी। हाँ आवाज कट रही है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा बैठ। अच्छा एक मिनट, ऐसा है आपको आपको हमको अपना फर्ज पूरा करना है, इसको साढ़े चार हजार की साइकिल जिसको मैंने दिलवाया, हमको अपना फर्ज पूरा करना है ना, कम से कम आपके भगवान ने पावर दिया है, आप इनके अवगुणों को न देखिए है ना, आप इनके गुण को देखते हुए आप इनकी जो भी मदद कर जी। हाँ 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 जी, नहीं तो अरे आप इनका लिख के भेजो तो, ये नहीं इनके बाप गई हैं, इनको करना पड़ेगा है ना, तो ठीक है, आवाज काफी आवाज कट रही है आपकी, और जो भी आपसे हो सकता है आप इनको जब लिख सुनिए, आप इनको लिख पढ़ के देंगे तो रायबली में हर काम बड़ी आसानी से हो जाएगा।
क्यों? ये बता रहे हैं प्रधान जी कि इनके लिए कॉलोनी वगैरह हमने बनवा दिया है। कहाँ कहाँ कॉलोनी के लिए नहीं, वो तो कहीं कम साल में गए हैं, 25 साल 25-25 हजार आ ही रहे। हाँ, तो वो इनके बाप के नाम लिखाई नहीं है। हाँ, वो कॉलोनी पीछे वाली गली में। हाँ हाँ अच्छा, बहरहाल आप जो भी कर सकते हो करें, है ना महाराज। अब हम लोग आप बस आप इसके लिए करते रहिए, कम से कम आपका नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। आप अपना कर्तव्य जरूर करते रहिए, है ना। अब बाकी क्यों, ये सात प्रधान जी ले जाएंगे तो कहीं ना इनको लेके जा रही हो। ऐसा है, आप इनको लिख पढ़ के दे दीजिए, पक्का मोहर वोहर लगा के ये लाइब्रेरी हमें, हम जाके सारा काम करवा देंगे, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ी कृपा होगी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जय। हाँ 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 जी जी नहीं ठीक। अच्छा एक बात, इनको हम सख्त हिदायत कर रहे हैं, है ना, तो हम रखते हैं प्रधान जी, थोड़ा जल्दी में है। हम इनको सख्त हिदायत कर रहे हैं, भैया सुनो, कभी भी तुम्हारी तुम्हारे बेटे की कसम है कि दारू पीने मत जाना इनको। दारू का दारू कहाँ, पेट वो वही जाता है इनका बाप जो नहीं, जो बाप है उनका मरे जो उसको जब हम बच्चे दारू नहीं पीते। हाँ वही तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दारू शराब हम लोग नहीं पीते ठीक। बस यही गाँव के कुछ बढ़ा चढ़ा के बताएंगे।